अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम अपने मॉर्निंग शो के सेकंड सेगमेंट मुहर्रमुल हराम ट्रांसमिशन में आ चुके हैं और सालेह नौरीन आपकी होस्ट हाजिर खिदमत है। मुहर्रमुल हराम के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। पहले मैं आपको ये बताती चलूं कि आज सेकंड मुहर्रमुल हराम है, आज का दिन किस तरह से गुजारना चाहिए, कितनी इबादत करनी चाहिए, कितने लोगों को पानी पिलाना चाहिए या फिर सबीलें लगानी चाहिए या नहीं, उसके साथ साथ किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं फराह हमदानी साहिबा, हम उनसे बातें करेंगे, डिस्कशन आगे जारी करेंगे अपनी। बट पहले मैं आपको ये बताती चलूँ साथ साथ कि फेसबुक पे हमारा पेज मौजूद है हेलो हेलो मॉर्निंग का, HELLO हेलो, HELLO हेलो, MORNING जी बिल्कुल, हेलो हेलो मॉर्निंग का पेज मौजूद है। आप वो लाइक कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें आप कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर हमारा नंबर भी मौजूद होगा 02135890271। आज मुहर्रमुल हराम, सेकंड मुहर्रमुल हराम है और सेकंड ट्रांसमिशन हमारी जारी है, तो आप कॉल करें। जो हमारे साथ स्कॉलर मौजूद है आप उनसे बातें करें, मुहर्रमुल हराम के हवाले से बहुत सारी बातें कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जो आपके नॉलेज में ना हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र, आपने बुलाया ये बहुत इज्जत की बात है जी। तो आप पूछे हैं क्या जी, मुझे ये बताएं और नाज़रीन को भी बताएं, जैसे कि आज सेकंड मुहर्रमुल हराम है, मुहर्रमुल हराम का महीना तो ये तो बहुत ही अकीदत और एहतराम वाला है बेशक, मुहर्रमुल हराम हमें किस तरह से मनाना चाहिए और किन किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? मुहर्रम एक बड़ा अकीदत का महीना है जिसमें नवासा रसूल ने बड़ी कुर्बानी दी और हमें बड़ी सादगी से, आप देखें कि एक घर में अगर 100 साल का बूढ़ा भी मर जाता है तो कितना अरसा वहाँ पर बड़ी सादगी रहती है, वहाँ पे कोई खुशी की बात नहीं होती। तो जहाँ पर इतनी कुर्बानियाँ दे दी जाएं और वो भी इस्लाम को बचाने के लिए, तो ये तो बहुत ही सादगी से मनाना चाहिए। कोई खुशी की महफिल ना हो, कोई गाने सरूर की महफिल ना हो, तो अपने आप को सादा रखना चाहिए। अल्लाह की राह में जितना कुछ आप कर सकते हैं वो करें, उनकी उनका जिक्र करें जिन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इस्लाम बचाया। हमें इस्लाम समझना चाहिए। ये दर्स की महफिलें जो घर घर चल रही हैं, कि ये एक स्कूल बनाया है इमाम हुसैन ने कि अगर कोई इस्लाम से भटक जाता है तो वो इन दिनों में आकर अपने आप को सिरात मुस्तकीम पर ला सकता है। मैं समझती हूँ मुहर्रम इसलिए आता है कि जो हम सारा साल इधर उधर गुनाह में भटक जाते हैं, गुनाह में मुलव्वस हो जाते हैं, तो मुहर्रम में आकर हम अपने आप को पाक साफ कर सकते हैं। ठीक है, हमदानी जी आप ये बताएं, आज सेकंड मुहर्रमुल हराम है तो सेकंड मुहर्रमुल हराम की कोई ऐसी खास बात बताएं, स्पेशलिटी जिसके बारे में हमें ना पता हो और हमारी नाज़रीन को भी इतनी अवेयरनेस ना हो। दो मुहर्रम को इमाम हुसैन करबला पहुंचे, जब वो यहाँ पहुंचे तो उनका एक घोड़े ने आगे चलने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि इमाम हुसैन ने 7 घोड़े बदले, लेकिन हर बार घोड़ा जो है वो चलने से इनकार करता। इमाम हुसैन 28 रजब से मदीने से चले हुए, लेकिन ये ऐसी सरजमीन थी कि यहाँ पर पहुंचकर घोड़ा चलने से इनकार कर देता और वो भी इमाम का घोड़ा। तो जब 7वें घोड़े ने भी चलने से इनकार किया तो आपने हुक्म दिया कि यहाँ इर्द गिर्द कोई आबादी है तो उनके लोगों को बुलाया जाए। तो वो बनी असद एक कबीला वहां पर आबाद था, उनको बुलाकर लाए। तो इमाम ने उनसे पूछा कि ये बताओ कि इस सरजमीन का नाम क्या है। तो किसी ने कहा कि इसको शत्तुल अर्ब कहते हैं, किसी ने कहा कि इसको बाबुल कहते हैं, किसी ने कहा कि इसे नैनवा कहते हैं। कहा कि नहीं, कोई और नाम बताओ। तो कहा कि एक कोई बड़ी उम्र का बंदा
کو لے کر کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، درباروں بازاروں میں جانا، یہ جہاد اکبر. اس کے لیے بیویوں کو لے کر آئے کہ اگر بیوی زینب نہ ہوتی، دیکھیے کربلا میں تلوار اور جسم پر زخم کھا لینا، یہ تو ویسے بھی محاورہ ہے کہ تلوار اور تیر کا زخم جو ہے وہ پھر بھی مندمل ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کے تیر لگتے ہیں نا وہ جو ہے وہ اس کا زخم جو ہے وہ کبھی مندمل نہیں ہوتا. امام بی بی زینب اور امام حسین کے بیٹے سید سجاد نے جتنے زخم کھائے ہیں، اور پھر دیکھیے دشمن کے ساتھ چلنا اور بات ہے، قاتلوں کے ساتھ سفر کرنا یہ تو بہت ہی مشکل بات. صحیح. اور ان لوگوں کے ساتھ گئے اور جا کے آپ نے دیکھا کہ جس نے اتنے زخم کھائے ہوں، جس نے اتنے جوانوں بھائیوں اور بیٹوں کی لاشیں دیکھی ہوں، اتنی تکلیف دیکھی، اور سب سے بڑی تکلیف جو ہے وہ چادر کا چھن جانا. جی. جس گھر کی بیوی کی چادر کھلا سر کبھی سورج میں نہ دیکھا ہو وہ اس بلوائے عام میں آ جائے، جو ایک کوفے کی شہزادی ہو جہاں وہ شہزادی بن کے آئی، جب بی بی شہزادی بن کر آئی ہیں، جب مولا علی بادشاہ کوفہ تھے، بظاہر بادشاہ تھے، جب انہوں نے بی بی زینب کوفے میں آئی ہیں تو انہوں نے اعلان کروایا تھا کہ آج کوئی جو مرد ہے نا وہ باہر نہ نکلے کیونکہ میرا حرم آ رہا ہے. آج وہی بی بی، وہ 40 ہجری کا کوفہ تھا، آج 61 ہجری کا کوفہ ایسا ہے کہ جہاں پر بی بی بے مکنہ و چادر جو ہے وہ کوفے کے بازار میں داخل ہو رہی ہے، جہاں جس بازار کو سجایا گیا ہے کہ باغی آ رہے ہیں، اور اس دربار میں جا کر جس نے اتنے زخم کھائے اور پھر بھی وہ دربار میں کھڑے ہو کر جس پاور فل طریقے سے انہوں نے تقریر کی ہے کہ اونٹ پر کھڑے ہونا ایک عورت کا کھڑا ہونا، اور وہ بھی بیوی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، وہ اتنے مجمع میں کھڑے ہو کر اتنی زور سے اتنی فصاحت کے ساتھ انہوں نے تقریر کی ہے کہ دنیا یہ کہنے لگی کہ کیا علی زندہ ہو گئے. تو دنیا میں صرف دو ہستیاں ہیں جو مولا علی کی آواز میں بات کرتی ہیں، ایک اللہ کی آواز مولا علی جیسی ہے، ایک بی بی زینب کی آواز مولا علی جیسی. یہ بازاروں درباروں میں بتاتی ہوئی یہ جو چلی ہیں، تو آج جو حسینی مشن کامیاب ہے، آج جو حسینیت قائم ہے، آج جو اسلام قائم ہے، یہ بی بی زینب اور ان یہ جو لٹا ہوا قافلہ اور کمزور اور نحیف جس کو قید کر کے، دیکھیں آج ہمارے ہاں کوئی مر جاتا تو کتنے لوگ پرسہ دینے کے لیے آ جاتے، اور وہاں پر امت نے پرسہ اہل رسول کو یہ دیا کہ کوئی زنجیریں لے آیا، کوئی رسیاں لے آیا، کسی نے چادریں چھین لی، اور 9 بار راستے میں چادریں چھینی ہیں اہل رسول سے، جن کے گھر سے پردہ چلا ہو. صحیح بات ہے. تو یہ بیویاں اگر بی بی زینب نہ ہوتی تو آج اسلام تو ختم ہو گیا ہوتا. اسلام کو آج اسلام کو یہاں تک لے کر آنا کہ امام حسین نے خود بی بی زینب سے کہا کہ مجھے تہجد کی نمازوں میں نہ بھولنا. معلوم تھا کہ چاہے جتنی بھی مصیبت آئی ہے نماز پڑھنا نہیں بھولے گی. اب دیکھیں یہ ہر دیکھیں جب سے امام حسین کی شہادت ہوئی ہے نا، ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک قدم پر اتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر شاعر ہے تو وہ شعر پڑھ رہا ہے، اور ایک ایک لفظ پر کتنی کتنی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں ہوا. تو بیویوں اور بچوں کو ساتھ لے کر آنا کہ تاکہ ان پر جو اتنے ظالم ہیں وہ شاید عورت سمجھ کر چھوڑ دیں، شاید بچہ سمجھ کر چھوڑ دیں، لیکن وہاں پر تو ظلم کی حدیں. شیر خوار بچے چھوٹی معصوم 4 سال کی بچی، وہ جو صرف کہیں کہیں پر انہوں نے پانی مانگا. ورنہ ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جتنے کربلا میں شہید ہوئے ان کی پیاس تو بجھ گئی، لیکن بی بی زینب نے اور بی بی سکینہ نے کب تک یہ پیاسی رہی ہیں یہ نہیں معلوم، تاریخ کہیں نہیں بتاتی کہ کب پانی پیا. جی. کب پانی پیا، یہاں تک کہ ایک وہ مقام آیا کہ سید سجاد نے یہ کہا کہ پھوپھی اماں میں آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، جو جنہوں نے کبھی بیٹھ کر نماز نہ پڑھی ہے. کہا کہ سید سجاد بات یہ ہے کہ یزید کی طرف سے کھانا اتنا کم آتا ہے
कि मैं वो बच्चों के लिए रख देती हूँ तो मुझ में इतनी नकाहत आ गई है कि अब मैं खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ सकती। तो उस बीबी ने अगर इस्लाम को जो जब खुतबा देती है भरे दरबार में, तो जो हाकिम है वो परेशान हो जाता है, कूफे का हाकिम के ये कौन है जिस जो मेरे साथ इतनी दलेरी से बात कर रही। ये सिर्फ आले रसूल ही कर सकते हैं। बीबियों को लाने का मकसद सिर्फ इस्लाम को बचाना। ठीक है जी। और ये जो सबीले लगाई जाती है मुहर्रम में, इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। सबीले इसलिए लगाई जाती हैं कि उनको प्यासा ही इतना रखा गया जी, जो प्यास की हद है। इमाम हुसैन को प्यास की हाजत नहीं थी, उनको पानी की जरूरत नहीं थी, वो तो पानी खलकत से पहले खल्क हुए थे। लेकिन और पानी जो है इतना सस्ता है, आप देखिए कि किसी के पास पानी पड़ा हो, अगर आप उनको जानते भी नहीं है तो आप उससे एक गिलास लेकर पानी पी लेते हैं तो कोई बुरा नहीं मना। लेकिन जो पानी का मालिक हो, उस करबला में इमाम हुसैन पर पानी इतना महंगा कर दिया गया कि आशूर के रोज, आशूर से नहीं बल्कि 7 मुहर्रम से ही इमाम जो है वो तमय्यम करके नमाज पढ़ रहे हैं और शीरखार बच्चों पर पानी बंद है। इसीलिए सबीले लगाई जाती हैं ताकि याद रहे कि देखो कि तुमने किसी को प्यासा रखा। और आज सबीले लगा दी गई हैं कि जो भी है वो रास्ते में पानी पीता हुआ जाए। और ये मौजजा है इमाम हुसैन का कि उनकी प्यास का, कि आज दुनिया दूर दूर से आकर सिर्फ सबीले लगाती है कि जो भी उनका मानने वाला जो राज चलते जो भी हो वो सबील से पानी पी सके। सबील में पानी ही सिर्फ नहीं होता, बेहतरीन शरबत जो है वो तकसीम किए जाते हैं। और ये मन्नतें मानी जाती हैं कि परवरदिगार हमारी ये मन्नत पूरी हो जाए मैं सबील लगाऊं। तो ये जो मन्नतें मानी जाती हैं, ये मन्नतें मानना कैसा है, ये सही है या गलत है? बात ये है कि अल्लाह ने अहले बैत को, रसूल अल्लाह को अपने तारुफ का वसीला बनाया, तो हम अगर कोई अपनी हाजत उनके वसीले से मांगे और वो पूरी ना हो तो ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप देखिए कि अब कुछ अरसे से करबला में नजफ से करबला तक लोग पैदल जाते हैं, उनकी हाजतें पूरी होती हैं। तभी कोई 3-3 दिन 4-4 दिन 5-5 दिन का सफर करके करबला पहुंचता है कि मेरी जो जितनी हिम्मत रखता है तो मन्नत आप माने। मैं 100% ये कहती हूँ कि उसकी मन्नत ना आए तो ये इनके दर पे आकर देखे तो सही कि वो तो एक लम्हे का भी जो है उधार नहीं रखते। सही, बेशक जी। अच्छा फरहमदान जी, आप ये बताएं कि आशूरा के दिन कहा जाता है कि वसी दस्तरखान लगाना बहुत ज्यादा अच्छा होता है, इसकी क्या सवाब है या इसके पीछे कोई लॉजिक है? बात यह है कि 9 मुहर्रम को से जितने भी मातमदार होते हैं, शिया ने अली हैं, वो सब जलूसों में चले जाते हैं और फिर जलूस जब खत्म होता है उस रोज फाका रखा जाता है और जब वो जलूस से सारा 9 मुहर्रम की रात जागते हैं, आशूर सारा वो मगरिब तक जब तक जलूस खत्म नहीं होता वो उसके साथ साथ चल रहे होते, तो मजलिसें भी हो रही हैं, मातम भी हो रही है। जब वो खत्म होता है तो उस वक्त तो फका शिकनी का बंदोबस्त होता है, तो वसी उस वक्त जो सबसे सादा जो गिज़ा है, उबले हुए चावल होते हैं और दाल होती है, जो जहां बैठा हुआ है वो वहीं पर बैठकर खा लेता है। लेकिन आप देखें कि इनके नाम पर अगर हम कुछ पकाते हैं तो उसमें इतनी बरकत आ जाती है कि वो वसी से वसी तर खुद ही होता चला जाता है, ये हमारा ईमान। सही। तो इसलिए वसी दस्तरखान होता है कि इतने लोग थक के आ रहे होते हैं तो जहां पर भी वो दस्तरखान लगा हो और वो अपना खा सकते हैं। इस तरह नजर अल्लाह नियाज हुसैन सिर्फ इस दो नाम पर कहां से
नहीं मिलता। नजरे हुसैन तो लोग, अगर नजरे हुसैन की नियत करके उसको खाया जाए तो आप देखें कि सेहत, अगर कोई बीमार हो वो ये नजरे हुसैन समझकर उसको खाए तो उसकी को शिफा हासिल हो जाती। ठीक है। अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत छोटे थे, 6 माह के थे, तो उनको उनकी प्यास की शिद्दत भी बहुत ज्यादा थी, उनको क्या क्या परेशानियां हुई हैं आप तसव्वुर कर सकते हैं। इतने छोटे बच्चे, ये इतना छोटा बच्चा, आपको मालूम है करबला से चलने से पहले से 15 दिन पहले हजरत अली असगर पैदा हुए। ये बीबी सकीना के सगे भाई थे और 15 दिन का बच्चा लेकर इतने बड़े सफर पे कोई चलता है, और इस जिस की माँ का 15 दिन का बच्चा हो उस माँ को लेकर कोई चलता है, लेकिन आप चूंकि मालूम था कि इस अगर कुर्बानी नहीं दी जाएगी तो ये जो है कुर्बानी ये जाया चली जाएगी, इसलिए 6 महीने के बच्चे, मैंने पहले भी अर्ज किया कि इतना छोटा बच्चा लेकर गए हैं कि शायद इस पर ही रहम आ जाए। जी। तो आपने को मालूम है कि 28 रजब से इमाम हुसैन चले और 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे। हजरत अली असगर 6 महीने के थे और पानी तो 3 मुहर्रम से, जब से नहर के किनारे से उन्होंने अपना पड़ाव उठाया तब से उतना ही पानी था जितना मशकों में पानी था, वो उसके बाद तो पानी आया ही नहीं। जी, एक आध मरतबा कोई थोड़ा बहुत ले आया जो बच्चों के लिए काफी था, यहाँ तक के बीबी का दूध भी खत्म हो गया और एक कतरा पानी की जरूरत ही तो थी अगर 6 महीने के बच्चे को मिल जाता। और इमाम हुसैन बच्चे के लिए वो उन्होंने जब इस्तगासा किया आशूर के रोज, तो करबला के मैदान में खेमों के अंदर सिर्फ एक हजरत अली असगर और एक उनके बीमार बेटे सैयद सज्जाद रह गए। हजरत अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया, यानी बाप के इस्तगासे को सुनकर ये बच्चा अपने आप को झूले में ना रख सका। तो बीवियों के रोने की आवाज जब बुलंद हुई तो इमाम हुसैन वापस आए, कहा कि अली असगर झूले में नहीं ठहरता, तो कहा कि लाओ मैं इसके लिए पानी की सबील करता हूँ। जिसको गोद में लेकर आए तो दुनिया ने यह कहा कि शायद हुसैन सुलह करने के लिए कुरान शरीफ उठा लाए। अच्छा। तो वो जब उन्होंने अपनी अबा को हटाया तो 6 महीने का बच्चा था, कहा कि जब बच्चा खुद पानी मांगेगा तो हम पानी देंगे। अब बताएं 6 महीने का बच्चा कैसे। तो हजरत अली असगर ने बाप की गोद में सिर्फ अपनी छोटी सी जबान बुलंद की, जिसको देखकर दुश्मन की फौज जो है मुंह फेर फेर कर रोने लग गई। लेकिन एक बार हुरमला से कहा गया कि हुरमला बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसने 3 तीर चलाए, एक तीर भी खता गया, दूसरा तीर भी खता गया। तो एक बार इब्ने ज़ियाद आके कहता है कि हुरमला तू तो बहुत बड़ा तीरंदाज था, तू तेरा तीर खता क्यों जाता है। कहा जब मैं तीर चलाता हूं ना तो खेमे के दरवाजे पर लगता है बच्चे की मां खड़ी है, वो पर्दा जोर जोर से हिलने लग जाता। अच्छा। तो मेरा तीर खता जाता। तो तीसरी बार जब उसने तीर को जोड़ा तो एक बार इब्ने ज़ियाद ने उसके आंखों पर हाथ रख दिया और उसने जो तीर चलाया वो तीर घोड़े को खत्म करने के लिए मारा जाता था। वो 6 महीने के बच्चे को सहशोभा तीर जो है वो हजरत अली असगर के लगा, जिसके साथ इमाम उनकी दन्नी सी गर्दन और इमाम हुसैन का बाजू जो है वो तीर से छेद के, तो वो जो थोड़ा सा खून था आप अंदाजा करें कि वो थोड़ा सा खून, जो इतना प्यासा बच्चा था उसका खून कितना निकला होगा। जमीन पर फेंकना चाहे तो जमीन ने कहा कि मेरे पर ये खून मत फेंकना, कयामत तक जमीन से कुछ नहीं उगेगा। आसमान की तरफ फेंकना चाहा तो आसमान ने इनकार कर दिया कि आसमान से पानी नहीं बरसेगा। तो अब इमाम क्या करे, आपने अपने मुंह पर लिया कि मैं इसी तरह नाना के पास लेकर अब जाऊंगा और बताऊंगा कि ये उम्मत ने मेरे साथ किया है। और हजरत अली असगर की शहादत करबला की शहादत को 4 चांद लगाने के लिए कि कोई गैर मुस्लिम भी पढ़े तो उसको इस बात का एहसास हो कि क्या 6 महीने का बच्चा भी इस काबिल था
कहा यह जाता है कि 6 महीने के जानवर को भी ज़बह नहीं किया जाता, तो ये तो इमाम ज्यादा था। सही जी। नाज़रीन, देखा आपने जो फराहम दानी जी हैं वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, स्कॉलर हैं, ये हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमारे ब्रेक का टाइम हो चुका है, हम छोटे से ब्रेक पे जाते हैं।